Good morning, students. In today's class, we again solve a numerical sum about profit and loss appropriation account. But आज के सम में हम थोड़े से एक दो पॉइंट को चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम सम को सॉल्व करेंगे. वही एनसीईआरटी की बुक हमारे पास में है, पेज नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 18. ओके, पेज नंबर 106 एंड क्वेश्चन नंबर 18. ओके, सबसे पहले मैं सम को पढ़ने जा रहा हूं. द कैपिटल अकाउंट ऑफ मोली एंड गोलू shows the balance of rupees 40,000 and 20,000 as on April 1st, 2014. अब इस समय आपको पहली जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने प्रीवियस क्लास में भी देखा है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होगी, कौन कौन पार्टनर है और उनकी कैपिटल का बैलेंस कौन कौन कितना कितना हमें गिवन है. तो इसमें दो पार्टनर है, मूली एंड गोलू, और उनकी कैपिटल का बैलेंस रनिंग नेचर का बिजनेस है, डेट इज 40,000 एंड 20,000 एज ऑन 1st April 2014. ओके, दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे दिया 3:2 का. ओके, दे अलाउड इट, मतलब एक रिटर्न एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में और उन्होंने प्रॉफिट जो भी आएगा अपना, डेट इज नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो रेशियो बना रखा है डेट इज 3:2. देन दे अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट जो अलाउडेड होगा डेट इज 10% पर एनम, एंड अगर कोई भी पार्टनर ड्रॉइंग्स करता है उससे इंटरेस्ट चार्ज होगा एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. ओके, गोलू, ये है इंपॉर्टेंट लाइन कि गोलू एडवांस ए लोन ऑफ रुपीज 10,000 टू द फर्म ऑन August 1st, 2014. इस सम को कराने का मेरा ऑब्जेक्ट यही है. इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हमारे पास में आ गया है कि पार्टनर गोलू ने फर्म को 10,000 रुपए का एक लोन अमाउंट प्रोवाइडेड कर रखा है और उसकी डेट गिवन है August 1st, 2014. अब आगे का पॉइंट पढ़ने से पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. अगर कोई भी पार्टनर किसी भी पार्टनरशिप फर्म से लोन लेता है या लोन देता है, लोन प्रोवाइडेड बाय हिम और लोन टेकन बाय हिम, जब वो लोन गिवन करेगा या लोन प्रोवाइडेड करेगा तो दोनों ही कंडीशन में हम इसको एक्सटर्नल इनकम और एक्सटर्नल एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करेंगे. दैट मींस ये पीनल एप्रोप्रिएशन में शो नहीं होगा. अब आप बोलेंगे सर इसको कहाँ शो करें, इट इज एक्सटर्नल एक्सपेंसेस, इट इज चार्ज अगेंस्ट आउट ऑफ प्रॉफिट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इट इज एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है जिसे आप पीनल एप्रोप्रिएशन में शो करेंगे. लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर और टेकन फ्रॉम द पार्टनर, एक रेंट पेड टू द पार्टनर फॉर यूजिंग हिज प्रीमाइसेस फॉर ए ऑफिस पर्पस या बिजनेस पर्पस, और तीसरा कोई एक्सटर्नल पर्सन को अपन कमीशन सैलरी पे करेंगे, दैट इज एक्सटर्नल एक्सपेंसेस, दैट इज चार्जेस आउट ऑफ प्रॉफिट या चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट इज दैट मीन्स शुड बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब एक चीज हमारे पास में आ गई है कि सर इंटरेस्ट ऑन लोन हम पार्टनर गोलू को दे तो रहे हैं, दैट मीन्स फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिफिशियल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, ये हमारा पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस है, हम इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि नॉमिनल नेचर का रूल क्या होता है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, हमें डेबिट में शो करना है. लेकिन हमें इसकी रेट गिवन नहीं है, ठीक है, गोलू ने फर्म को लोन दे रखा है लेकिन उसकी एक पर्टिकुलर डेट रेट गिवन नहीं है. तो मैंने आपको पहले भी एक चीज बता रखी थी, रिटर्न एग्रीमेंट की कंडीशन में अगर कोई भी पार्टनर्स फर्म को लोन प्रोवाइड कराता है तो ऐसी कंडीशन में या तो वो एग्रीड रेट पे उसको इंटरेस्ट हम पे करेंगे, अगर रेट गिवन नहीं है तो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. ऑरली एग्रीमेंट में ये फिक्स है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट में अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं किसी पार्टनर की तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम किस रेट पे प्रोवाइड करेंगे, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. तो यहाँ पे आपको एट द रेट ऑफ 6% एप्लीकेबल करना है, लेकिन
ये इंटरेस्ट हम उसको पूरे ईयर का नहीं देंगे, क्योंकि गोलू ने फॉर्म को लोन कब दे रखा है, गोलू एडवांस लोन ऑफ रुपीज 10,000 टू द फॉर्म ऑन अगस्त 1, 2014 फ्रॉम 1st अगस्त 2014 टू जो हमारा फाइनेंशियल एंड होगा, अगर 31st मार्च को एंड हो रहा है तो फॉर्म कर लीजिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 8 मंथ का, अगर 31st दिसंबर को एंड हो रहा होगा तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 मंथ होगा। ओके पॉइंट क्लियर है, ठीक है। लेकिन ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल एक्सपेंसेस है, मैं इसको पीनल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, लेकिन इसका एडजस्टमेंट मैं कैसे करूंगा अभी ये ध्यान से आपको देखना है। ओके नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ, पैराग्राफ चेंज कर रहा है ये, ड्यूरिंग द ईयर मोली विड्रॉ रुपीज 1,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ओके वही फॉर्म आ गई हमारे पास में ड्रॉइंग्स की, कि मोली ने जो ड्रॉइंग्स कराए 1,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, वेयर इज गोलू विड्रॉ रुपीज 1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। वो रेगुलर चल रहे हैं, मंथली बेसिस पे ड्रॉइंग्स करा, एक पार्टनर ने एंड ऑफ द मंथ करा, एक पार्टनर ने बिगिनिंग ऑफ द मंथ करा। ये मैंने इंडिविजुअली सब में आपको एक्सप्लेन करा था, फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ है तो हम नंबर ऑफ मंथ को जब कंसिडर करेंगे तो एक फॉर्मूला यूज करेंगे n+1/2, और लास्ट डेट है मंथली बेसिस पे, फाइनेंशियल ईयर अपने पास चल रहा पूरे 12 मंथ का, तो n-1/2। अगर मिडिल डेट है दैट इज n/2, तो फर्स्ट डेट में n+1 हमें करना है, लास्ट डेट में n-1 हमें करना है। लेकिन अब एक नॉर्मली चीज बात ध्यान रखना है, सर ये पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मैं इसे पीनल एप्रोप्रिएशन, ठीक है हमें पता है हमने सम कर रखे हैं कि हम इसको पीनल एप्रोप्रिएशन में पार्ट ऑफ इनकम मान के क्रेडिट शेड में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट शेड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स करके। लेकिन ये इंटरेस्ट मैं जब डिटर्मिनेशन कर रहा हूँ तो बेटा इसको मैं वर्किंग नोट्स के अंदर शो करूंगा, और वर्किंग नोट्स का एक प्रोसेस होता है, या तो पीनल एप्रोप्रिएशन जो भी आप मेन अकाउंट बना रहे हैं उससे जस्ट बिफोर प्रिपेयर करेंगे, या पूरा मेन अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आपको एंड में रिकॉर्ड करना है, तो हमारे पास में भी ये कंडीशन है, या तो पहले या एंड में, लेकिन मैं जनरली एंड में शो करूंगा। तो थोड़ा सम को ध्यान देना, जो प्रेजेंटेशन ऑफ सम है मेरा, सम करने का तरीका वो किस तरीके से चलेगा। ओके नेक्स्ट सबसे मेन एलिमेंट हमारा है प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबाव मेंशन्ड एडजस्टमेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना है। ये बोल रहा है कि प्रॉफिट जो हमारा फॉर द ईयर एंडिंग है, दैट मींस जो पीनल अकाउंट से पीनल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज रुपीज बिफोर एडजस्टमेंट, बिफोर द अबाव मेंशन्ड एडजस्टमेंट वॉज रुपीज 20,950। अब बिफोर का मतलब क्या हो गया कि अब आपको सारे एडजस्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शुड बी रिकॉर्डेड इन ए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन अ डेबिट साइड एंड इन ए क्रेडिट साइड एज पर रूल्स। ओके हमें शो करने पड़ेंगे, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एक हिसाब में उसने सब चीजें आपसे पूछ ली, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी कैलकुलेट करो, वो तो करेंगे ही करेंगे, बताने की जरूरत क्या है उसको। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट नहीं करा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने कैलकुलेट नहीं करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो हमारा पीनल एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा, और जो प्रॉफिट होगा एनडीपी नेट डिविडेंड प्रॉफिट वो कैसे आपको कैलकुलेट होगा, तो ये तो कंपल्सरी चीज है। अब एक एक्स्ट्रा चीज इसने और करी है, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए भी बोला है। अब तो नॉर्मली मैं सम को देखता हूं तो हमारे पास में इतने एडजस्टमेंट्स नहीं है, केवल एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करूं मैं प्रीवियस सम के अकॉर्डिंग, तो इसमें केवल दो ही एडजस्टमेंट मेन है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। लेकिन एक एडिशनल एडजस्टमेंट हमारा गोलू ने जो लोन दे रखा है उसका जो इंटरेस्ट है वो आपको और शो करूंगा। अब थोड़ा ध्यान से सबको देखना, ठीक है ये एक्सटर्नल एक्सपेंसेस है गोलू का जो इंटरेस्ट है लोन के ऊपर, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये भी सर मैं इसके लिए पीएनएल अकाउंट पहले क्रिएट कर लेता हूँ, लेकिन पीएनएल अकाउंट आपको जब बनाने के लिए बोल नहीं रहा तो हम क्यों क्रिएट करें, क्यों एक्स्ट्रा हम टाइम लेके चले, क्यों एक्स्ट्रा। ओके अब हम प्रैक्टिकली सम को करने के लिए जा रहे हैं, हमें पीएनएल अकाउंट बनाने के लिए बोला नहीं, इसमें हम इसको रिक्वायरमेंट भी नहीं है, लेकिन अब इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू द गोलू हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एज यूजुअल वही हमारा फॉर्मेट है, वही प्रेजेंटेशन है, सबसे पहले हेडिंग
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, अब ईयर एंडिंग की डेट हमें जो दी गई है इसमें दैट इज 31st मार्च, 1st अप्रैल 2014 को स्टार्ट हुआ, दैट मींस 31st मार्च 2015। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हमने प्रेजेंटेशन के बिहाफ पे इसको शो कर लिया है। ओके, दो साइड है, नॉमिनल लेजर अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर नंबर वन वही कंडीशन। सबसे पहले जो मेरा बेस अमाउंट है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग, जो मुझे क्रेडिट शीट पे रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड कर लिया। अमाउंट है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग दैट इज 20,950 बाय पीएनएल अकाउंट। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 20,950 में इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर भी इन्वॉल्व है, बिकॉज इट इज एक्सटर्नल एक्सपेंसेस। ये खुद बोल रहा है बिफोर प्रॉफिट जो हमको गिवन है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर द अबाउ मेंशन एडजस्टमेंट्स, दैट मींस इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर वो हमारा इन्वॉल्व है। और हमें एक बात अच्छी तरह पता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में केवल आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट शो करने हैं, लेकिन अब इस प्रॉफिट में अभी आपको अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप 1932 का प्रॉफिट लाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल एक्सपेंसेस गिवन है उसको रिमूव करना पड़ेगा, मतलब डिडक्ट करना पड़ेगा, जिसको मैं इनर कॉलम में शो करूंगा, दैट इज 20,950 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू द गोलू। एक बार मैं कैलकुलेट कर लूं, फिर उसके बाद में वर्किंग नोट्स में बता देंगे हम इसको। अमाउंट था उसका 10,000, रेट आप मेंशन किए 6% इंटू नंबर ऑफ मंथ, अगस्त से काउंट कर लिया अपने, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दैट इज 8 मंथ, 8 बाय 12 6 टू जा 400। ठीक है, हमने इसको डिडक्ट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमारा जो प्रॉफिट रह गया है जो पार्टनर बीच में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है आफ्टर एडजस्टमेंट के बाद में, तो हमारे पास जो प्रॉफिट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 दैट इज 20,550। ओके, तो आपको एक चीज हमेशा की बात ध्यान रखना है, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो एक्सटर्नली है पार्टनरशिप फॉर्म के अकॉर्डिंग, वो तीन ही होते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, नंबर टू रेंट पेड टू द पार्टनर फॉर यूजिंग हिज प्रमाइसेस फॉर ए बिजनेस पर्पस, और सैलरी कमीशन टू द मैनेजर। वो आपको यही एडजस्टमेंट कर लेना है बिजनेस प्रॉफिट में, पार्टनरशिप प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आप डिडक्ट करके चल सकते हैं। हाँ, ये बोलते हैं अगर आपको कि इसमें हमने पार्टनर्स का जो लोन था उसका इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी पेड कर रखा है, तो आप उसको डिडक्ट नहीं करेंगे, रिमूव वो आप इग्नोर करेंगे। ठीक, ये हमारे पास में प्रॉफिट होगा जो मेरा बेस अमाउंट है। ठीक है, नेक्स्ट, अब अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमारे पास में कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हैं वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। दो पार्टनर हैं, नंबर वन मोली और नंबर टू गोलू। ओके, कैलकुलेट कर लीजिए, मोली की कैपिटल हमारे पास में 40,000, दैट इज 4,000 एंड 20,000 दैट इज 2,000। ओके, टोटल आ गया 6,000। नंबर टू
सेकंड एडजस्टमेंट इज इंटरसल ड्रॉइंग्स। अब थोड़ा ध्यान से सबको अभी देखना है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओके मोली एंड गोलू, ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है। अब एक नॉर्मल ही बात है, दोनों पार्टनर जो थे वो मंथली बेसिस पे ड्रॉइंग्स कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें इंटरेस्ट को वर्किंग नोट्स के अंदर शो करना है। ओके ठीक है, अब इसके लिए दोबारा रफली अपने रफली नहीं जा रहे हैं हम, एक बार इसमें ये मान लीजिए हमारे पास एक ब्लैंक है, ठीक है, इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट्स हैं? नो सर, कमीशन टू द पार्टनर नहीं है, सैलरी टू पार्टनर नहीं। ओके दैट मींस जब मैं क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दूंगा आई गॉट नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब वही कंडीशन, जो भी प्रॉफिट आएगा या तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे या करंट अकाउंट में, इस सब में कहीं पे भी हमको फिक्स कैपिटल नहीं बोल रखी है, तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर, नेट डिविजिबल प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ, इसमें रेशियो गिवन है आपको दैट इज 3:2। ओके थ्री बाय फाइव मोली, थ्री बाय फाइव इंटू, ये भी हमें पता नहीं है अभी, कोई बात नहीं, फिर इसका ब्लैंक्स मान लीजिए एंड गोलू। ओके अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये टोटल हो गया, दैट मींस पीनल एप्लीकेशन हमारा कंप्लीट है, बट अभी कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास चल रही है, मिसिंग वैल्यूज हैं, जिसे हम वर्किंग नोट्स के बेस पे कैलकुलेट करके, आप तो सम पूरा कीजिए, प्रेजेंटेशन हमने कर दिया, ठीक है आईओडी हमारा कैलकुलेट नहीं हुआ, जब तक ये कैलकुलेट नहीं हुआ डिविजिबल प्रॉफिट नहीं निकलेगा, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपने ब्लैंक छोड़ रखे हैं, मिसिंग वैल्यूज हम कैलकुलेट करने के बाद में इसको शो कर देंगे। ओके नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट अपने पास पीएनएल एप्रोप्रिएशन कंप्लीट है, आफ्टर इट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके कंटिन्यू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो मेथड हमारे पास पार्टनर कैपिटल अकाउंट के होते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट मेंटेन करते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम एक अकाउंट मेंटेन करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे आपको कोई फिक्स कैपिटल वगैरह नहीं बोल रखा, तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस मेथड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करा है, अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें आपको एक अकाउंट मेंटेन करना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नेचुरल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है, बनता है, आप उसी के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। नॉमिनल लेजर अकाउंट तो ये भी है, जितने पार्ट उतने अमाउंट के द्वारा कोई 5-6 लाइन आपको मानते लेना है, दैट इज मोली एंड गोलू क्रेडिट साइड अमाउंट कॉलम के लिए, पर्टिकुलर अमाउंट कॉलम मोली एंड गोलू पर्टिकुलर बिजनेस है, तो उनकी जो कैपिटल का बैलेंस है उसको आप बेस मान के चलेंगे, वो पॉजिटिव बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड में हम पार्टनर्स के इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, मोली की कैपिटल है 40,000 एंड 20,000 गोलूस कैपिटल, रनिंग नेचर का बिजनेस है, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 40,000 एंड 20,000। ओके ये चीज हमने कर ली, देन उसके बाद में वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, बट नेचुरल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम, ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पे रिकॉर्ड कर दिया हमने, पार्टनर्स का हमने क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज अमाउंट 4,000
एंड 2000 ओके देन नेट डिविजिबल प्रॉफिट में जो भी हमारा शेयर आएगा वो शेयर भी हमें पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपने पीनियल एप्रोप्रिएशन में इसको बैलेंसिंग अमाउंट के लिए शो कर रखा है लेकिन पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू इज आल्सो पार्ट ऑफ इनकम ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बट ये अमाउंट अभी तक हमको डिटरमाइन नहीं हुआ है इसलिए इस कॉलम को हम ब्लैंक कर देंगे। ये हो गया शेयर इन एनडीपी जो भी है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस तो आप डेबिट में शो करेंगे बट उसका बेस भी क्या है ड्रॉइंग्स अमाउंट ये भी हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना है। टू ड्रॉइंग्स ओके ये ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट आप कर ही सकते हैं। मोनी ने 1000 पर मंथ है 1000 के हिसाब से 12 मंथ का इसका 12000 एंड गोलू ये भी 1000 पर मंथ है 12000 और नंबर टू टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये हमें डिटरमाइन नहीं हमें कैलकुलेट करना है। ओके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कैपिटल अकाउंट हमने बनाया था फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल वही क्रेडिट माइनस डेबिट कर लेंगे तो ये जाएगा टू बैलेंस सीडी इट इज अ क्लोजिंग बैलेंस दैट इज अ बैलेंस फिगर दैट इज अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स ओके कंप्लीट पार्टनर कैपिटल बट कुछ इंफॉर्मेशन अभी भी मिसिंग है अब हम उसको वर्किंग नोट्स में क्लियर करेंगे। ओके अभी मैंने केवल वर्किंग नोट्स है तो बिगिनिंग में दीजिए या एंड में जनरली हम एंड में देंगे ठीक है। वर्किंग नोट्स नॉर्मली बात है वर्किंग नोट्स में हमें यही तो पॉइंट कैलकुलेट करना है दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ओके शो कर दीजिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मंथली अब इसमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है ये इंडिविजुअल संधि है सीधा आप प्रैक्टिकल कर लेंगे इसको ठीक है। पहले मूली मूली के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे कितना है 1000 एनुअल कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12 इनटू रेट हाउ मच रेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट हमें गिवन है दैट इज 12% ओके 1200 इनटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय 12। अब एक नॉर्मली बात है जब मैं नंबर ऑफ मंथ कंसीडर कर रहा हूं तो मेरा फॉर्मूला मूली के लिए जो है ये बोला फर्स्ट रेट ऑफ एवरी मंथ बिगिनिंग एन प्लस 1/2 एन मतलब 12 प्लस 1/2 दैट इज 6.5 मंथ ओके 6.5 12 से 12 कैंसिल ठीक है दैट इज वैसे थोड़ा कैंसिल हो गया 3-0 कैंसिल ये अमाउंट आ गया हमारे पास रुपीज 65 × 12 780 ये अमाउंट आ गया हमारा मोनी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ओके नेक्स्ट गोलू सेम अमाउंट है 1000 इंटू 12 इंटू रेट 100 बट नंबर ऑफ मंथ इसको भी कंसिडर करके हम बता देते हैं दैट इज नंबर ऑफ मंथ इज लास्ट डेट ऑफ मंथ है एन माइनस 1/2 दैट इज 12 − 1/2 5.5 मंथ ओके 8.333 12 दैट इज 660 अब इंटरेस्ट जब कैलकुलेट हो गया ड्रॉइंग से तो हमारा पूरा सब सॉल्व हो गया है। अब हम यहीं पे ये अमाउंट शुरू कर लेते हैं मोनू मोली 780
660 और लो टोटल 1440 ओके। अब क्रेडिट साइड में ऐड करिए 0991 and 2 21990 में से हमने डिडक्ट कर दिया कितने अमाउंट कितना चल रहा है हमारा डेबिट का 6000 हम अगर लेस करते हैं दैट इज 09915 15990 ओके 15990। अब इस प्रॉफिट में उसका शेयर देख लीजिए 15990 5 3 4 5 5 3 4 5 8 4 3 24 2 9 2 3 3 3 6 6 3 6 ओके। अब जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं फाइनली बाय ईयर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट 9594 एंड 6396 इंटरनल ड्रॉइंग 780 एंड 660 ओके। अब ये भी हमने टोटल कर लिया है क्रेडिट 44 44 और 9 53594 2022 28396 53594 एंड 28396। अब लेस कर लीजिए 53594 में से हमने लेस कर लिया कितना 12,780 4 1 15 minus 7 3 8 2 0 and 40 40,840 कैपिटल बैलेंस आ गया हमारा मोली का। सेकंड वन इज 28,396 माइनस 12,660 6 3 30 minus 6 4 7 7 minus 2 5 and 1 that is 15,736। एक बार आप कहते हैं आप भी क्लोक भी करके देख लेना मैन्युअली मैंने करी है कोई मिस्टेक नहीं हो लेकिन हमारा बेस यही है कि हमें ये कंप्लीट सम हो गया हमारे पास में जिसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी वो क्रिएट करा रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी वो क्रिएट करा रहा है लेकिन कुछ पॉइंट हमारे वर्किंग नोट्स के जैसे एक पॉइंट अगर मैं चाहूँ तो एक और पॉइंट दे सकता था इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर ये 400 कैसे आ रहा है एक सिंपल बेस पे चल लेंगे अपन लोन अमाउंट इंटू परसेंटेज बाय 100 6/100 इंटू 8/12 एट मंथ के लिए उसने दिया आपको लेके चलेंगे ओके। तो आज का सम हमारा ये था क्लियर है इसकी भी मैं आपको इमेज सेंड कर दूंगा उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना ओके। थैंक यू।